वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें क्या क्या जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उनमें जो हमारे कोर्सेज आएंगे ग्रेजुएशन में, जो कोर्सेज रहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे, तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करने हैं, कौन से हमारे एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है, सब मैं आज एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या 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 चेंजेस आए हैं, हमारी ग्रेजुएशन डिग्री लेने में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितने ईयर बढ़ा है, कम हुआ है, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। तो आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसकी बात करेंगे हम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पॉलिसी 2022। दोस्तों इसमें जो ग्रेजुएशन कोर्सेज है हमारे, ग्रेजुएशन जिसमें ग्रेजुएशन होता है, जैसे बीएससी हो गया, साइंस वाले स्टूडेंट बीएससी करते हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट बीए, ऐसे ही बीकॉम, तो सभी की बात करेंगे हम, किसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने टाइप के हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, कौन कोर होगा, कौन एडिशनल होगा, सब हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो दोस्तों फोर टाइप के सब्जेक्ट हमें चूज करने हैं, फोर टाइप के मेनली, फोर टाइप के सब्जेक्ट हमें चूज करने हैं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट है जो फोर टाइप के हमें चूज करने हैं, तो इनमें फर्स्ट है मेजर सब्जेक्ट, सेकेंड आता है माइनर सब्जेक्ट, थर्ड आता है को करिकुलम सब्जेक्ट, एंड फोर्थ आता है, फोर्थ हर यूनिवर्सिटी में फोर्थ जो हमने फोर्थ टाइप का सब्जेक्ट लिखा हूं मैं, ज्यादा मैनली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट है नहीं, बट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है, तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ये सब्जेक्ट है वोकेशनल सब्जेक्ट। अब मैं ये टाइप के बताऊंगा आप लोगों को, जो जिन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, बीए में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट सेम में बीकॉम में एडमिशन ले लिया है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों के पास मेजर सब्जेक्ट में क्या है, माइनर सब्जेक्ट में क्या है, कोकरिकुलम सब्जेक्ट में क्या है और वोकेशनल सब्जेक्ट में क्या है। मैंने बता दिया ये मेन है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन टाइप के सब्जेक्ट तो हर किसी जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी भी उससे बीएससी बीए या बीकॉम वाले बच्चे, तो ये तीन टाइप के सब्जेक्ट तो हर यूनिवर्सिटी में, हर पीजी कॉलेजेस में उत्तराखंड के, जैसे एचएनबी यूनिवर्सिटी में ये तीन सब्जेक्ट तो है बट वो वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे ही हमारे जो उत्तराखंड के पीजी कॉलेजेस हैं, जैसे श्रीदेव सुमन के जितने भी श्रीदेव सुमन की डिग्री मिलती है, ऐसे कॉलेजेस, तो उनमें भी तीन सब्जेक्ट है, वो वोकेशनल सब्जेक्ट वहां भी नहीं है, तो कई यूनिवर्सिटी में वोकेशनल सब्जेक्ट भी है। तो मैं एक एक करके बताऊंगा मेजर सब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों फर्स्ट बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट पे, मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, जैसे हम साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको हमको साइंस ट्रेड से, जो साइंस के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स हो गई और फिजिक्स हो गई, इनमें से हमें दो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। तो मेजर सब्जेक्ट इनको कोर सब्जेक्ट भी, कहीं कहीं इनको कोर सब्जेक्ट भी कहते हैं, कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए, जैसे हमने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री हमने कोर सब्जेक्ट में ले ली,
अब आता है माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में हम कोई सा भी, किसी भी, हम बीए वाला, हम आर्ट्स साइड वाला भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हम जो हमारे साइंस स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट है उनको भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है कि एक सब्जेक्ट हम किसी भी स्ट्रीम से चूज कर लें। जैसे हमने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के उसमें चूज कर लिया, तो हम माइनर सब्जेक्ट के उसमें फिजिक्स चूज कर सकते हैं। तो हमें ये ओनली क्या करना है, ये ओनली हमें एक ईयर पढ़ना पड़ेगा। एक ईयर, हर ईयर आप लोगों को अलग अलग माइनर सब्जेक्ट चूज करने के लिए मिलेगा, बट मेजर सब्जेक्ट आपके 4 ईयर की बीएससी जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसके लिए क्या हो जाएंगे, उसके लिए कंफर्म हो जाएंगे कि दो सब्जेक्ट आपको, ये जो कोर सब्जेक्ट है ये चेंज नहीं होंगे आपके। बट माइनर सब्जेक्ट आपको, जैसे फिजिक्स ले रखा है तो ये फिजिक्स आपको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में पढ़ना है, उसके बाद थर्ड सेम से आपका जो सेकंड ईयर लगेगा वहां से आप फिजिक्स को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश ले लिया है तो ये भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं माइनर सब्जेक्ट। ये भी आपको 2 सेमेस्टर पढ़ना होगा, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड में आपको फिर से लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं जो आपके पूरी बीएससी में या बीए में रहेंगे। वैसे ही बीए वाले स्टूडेंट्स देख लें, बीए वाले स्टूडेंट जैसे यहाँ पे पॉलिटी और हिस्ट्री चूज करते हैं तो यहाँ पे आप लोग कोई दूसरा, यहाँ आप लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बट ये एक ही समय एक ही ईयर के लिए है। फिर ये जो आपके पॉलिटी और हिस्ट्री रहेगी ये कम्प्लीटली ग्रेजुएशन तक आपकी यही सब्जेक्ट बने रहेंगे। थर्ड सब्जेक्ट आता है कोकरिकुलम सब्जेक्ट। कोकरिकुलम सब्जेक्ट में, कोकरिकुलम सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे, कौन से सब्जेक्ट आएंगे कैरिकुलम सब्जेक्ट में, कैरिकुलम सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जो हमारे क्या ना बीएससी स्ट्रीम से, जो साइंस स्ट्रीम है ना उससे होंगे, ना बीए स्ट्रीम से होंगे, ना बीकॉम स्ट्रीम से होंगे। तो ये सब्जेक्ट आते कहाँ से है, ये सब्जेक्ट आते हैं जो हमारे क्या, जो हमारी डेवलपमेंट, जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है। जैसे जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे जैसे फर्स्ट सेम में, फर्स्ट और सेकंड सेम, फर्स्ट सेम में जैसे ये हर सेम में चेंज होगी। जैसे फर्स्ट सेम में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कॉलेजेस में एनवायरमेंटल रहती है, एनवायरमेंटल साइंस मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी HNB यूनिवर्सिटी है, HNB यूनिवर्सिटी की जितनी भी ब्रांचेस है उत्तराखंड में, तो सब में जो हमारा कोकरिकुलम सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल साइंस ही है। वैसे ही जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ही जो भी श्रीदेव सुमन के जो भी पीजी कॉलेजेस हैं, तो इनमें भी एनवायरमेंट, फर्स्ट सेम में एनवायरमेंटल साइंस ही है, सेकंड सेम में आप लोगों के पास इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश इसमें मैक्सिमम आप लोग चूज भी कर सकते हैं, बट वो आप उनको वो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, कैरिकुलम सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी या पीजी कॉलेज में पहले से पढ़ा है, जिसकी मतलब क्लासेस चलती हो। ऐसा नहीं आप लोगों ने कुछ भी चूज कर लिया तो उसकी क्लासेस वो आप लोगों को चूज करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, और कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन भी चूज कर सकते हैं, अगर वो आप लोगों के यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा हो तभी आप लोग उसे चूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है या पीजी कॉलेज में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और सेकंड इन्वायरमेंटल साइंस और सेकंड में इंग्लिश मिल जाती है। तो दो सब्जेक्ट आपको मेजर पढ़ने हैं, एक माइनर पढ़ना है और एक कोकरिकुलम सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें एक फर्स्ट सेम एनवायरमेंटल साइंस है। HNB के स्टूडेंट्स देख लें, HNB के स्टूडेंट के लिए एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेम में है और सेकंड सेम में आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन आ जाएगी। अब वोकेशनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जॉब ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड जैसे DU यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, समझ गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, तो इनमें एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये वोकेशनल सब्जेक्ट भी है, बट हमारे उत्तराखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटी पीजी कॉलेज हैं उतनी फैकल्टीज वो नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं कि वोकेशनल सब्जेक्ट की हमारे पास फैकल्टी हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए है नहीं।
तो इसलिए ये उत्तराखंड में तो नहीं मिलेंगे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट, बट जैसे डीयू यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, तो इनमें को जो वोकेशनल सब्जेक्ट है ये वोकेशनल सब्जेक्ट है जो क्या जॉब ओरिएंटेड है। इसमें कुछ भी बिजनेस के बारे में पढ़ा देंगे, कोई भी हमें सब्जेक्ट चूज करने के लिए मिल जाएगा। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको लेना पड़ेगा जैसे डीयू बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, तो ऐसे उनमें लेना पड़ेगा। बट जो मेजर सब्जेक्ट है, दो मेजर सब्जेक्ट है, साइंस स्ट्रीम वाले कुछ भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स या मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी ले सकते हैं, और एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना है, एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना है, और एक करिकुलम सब्जेक्ट मिलेगा आप लोगों को, या एनवायरमेंटल, फर्स्ट में एनवायरमेंटल साइंस और सेकंड में इंग्लिश कम्युनिकेशन, और ये हमारे उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी या पीजी कॉलेज के लिए है नहीं। अभी तक कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बीएससी बीए बीकॉम कोर्सेज में आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट मिलने हैं, कैसे कैसे करके आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है, किस किस सब्जेक्ट के आपके पेपर देने हैं, और कौन से माइनर होंगे, कौन से मेजर होंगे, कौन से करिकुलम सब्जेक्ट होंगे। और ये एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं इस पे, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड में यूनिवर्सिटीज है उनमें जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है सिंगल सिंगल पेपर होता है, जैसे केमिस्ट्री का सिंगल पेपर होगा, मैथमेटिक्स का सिंगल पेपर होगा, यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम सिंगल पेपर होते हैं। बट जो पीजी कॉलेज श्रीदेव सुमन का पैटर्न है उसमें पर सब्जेक्ट के दो दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो वो तो एक सब्जेक्ट तो यही चूज करना है आप लोगों को केमिस्ट्री, पर एक के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके दो दो पेपर होंगे। हर पीजी कॉलेज में भी नहीं होता है, बट मैक्सिमम पीजी कॉलेज में दो पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के। बट हमारी जैसे एजेंबी यूनिवर्सिटीज है, जैसे हमारी एजेंबी यूनिवर्सिटी हर ब्रांच में एक ही पेपर होता है, इसका भी एक मैथमेटिक्स का जैसे एक ही पेपर होगा, तो दो मेजर सब्जेक्ट होंगे एक एक पेपर होगा। वैसे सिलेबस जो पीजी कॉलेजेस के है, तो टू पार्ट वन पार्ट टू में सिलेबस तो एक ही रहता है, बट वो पेपर दो बार लेते हैं, आधा आधा करके, हाफ एक पार्ट में हाफ एक पार्ट में सिलेबस। बट हमारी जो एजेंबी यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है इनमें पेपर एक ही होता है, बट उसमें कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट कवर हो जाता है। तो दो पेपर दो हो या एक हो, पढ़ना तो हमें पूरा ही पड़ता है, पूरा ही सिलेबस वही कवर करना पड़ता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी। और जो हमारी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी है और जो भी पीजी कॉलेजेस है, मैक्सिमम सिलेबस तो सेम ही रहता है, कुछ टॉपिक ज्यादा रहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या पीजी कॉलेज में कुछ कम रहते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने आज मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट को करिकुलम और वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने सब कुछ देखा आप लोगों के पास। अब आप लोग अपने जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है, जो आप लोगों का एडमिशन फॉर्म है, तो आप उनमें मेजर सब्जेक्ट केवल आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट लिखे होंगे, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट आपके पूरे दो सब्जेक्ट लिखे होंगे, वो है आपके मेजर सब्जेक्ट जो आपको पूरी बीएससी या बीए या पूरे ग्रेजुएशन में जो आपके पास चलेंगे, तो वो होंगे मेजर सब्जेक्ट, केवल दो ही सब्जेक्ट लिखे होंगे। और जो माइनर सब्जेक्ट है ये आपका चेंज होगा, इसलिए वो मेंशन नहीं होगा, ना ही करिकुलम सब्जेक्ट में मेंशन होगा। बट जो आपकी डिग्री में जो आपकी मार्क्सशीट बनेगी सबके नंबर्स ऐड होंगे, जब सबकी मार्क्स ऐड होंगे जो आपकी जो फाइनल मार्क्सशीट बनेगी उसमें सबकी मार्क्स आपको ऐड होंगे तभी आपका मार्कशीट बनेगी। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में कि आप लोगों को पता चला कैसे कैसे करके हम सब्जेक्ट चूज करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास है, किस किस सब्जेक्ट की हमें पढ़ाई करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।